फोन किया रहन करना डाल दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं अखंड कीर्तन के नाम से वो कीर्तन मंडली चलाते हैं, उनका चित्रकूट में और बाना में चलता है और अभी हम अयोध्या में उनके साथ खड़े हैं। अयोध्या में भी उनका अखंड कीर्तन के नाम से चल रहा है, उनसे पूछेंगे उन्होंने अखंड कीर्तन की स्थापना कब की, कब से वो कर रहे हैं, कंटिन्यू अखंड सीताराम का जाप करते रहते हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम तो भोले जी महाराज कहते हैं, नंदगोविंद तिवारी है और सीताराम नाम कीर्तन के भगवान की कृपा से व्यवस्था मिली है हमको। तो बांदा शंकर मोचन में 9 दिसंबर में बांदा दिसंबर में कीर्तन बैठी थी। 15वां वर्ष वहाँ चल रहा है। इसके बाद अयोध्या में बैठ गई थी। 2 साल बाद सीताराम कारशाला जहाँ अपना पत्थर गढ़े जा रहे हैं वहाँ कारशाला में चल रही थी। बराबर फकीरी बाबा आश्रम में चली, अभी राम निवास मंदिर में चल रही है और चित्रकूट में भी, नधौली में भी काकुन के हनुमान राम नाम का केवल लक्ष्य यह था कि हमारा प्रभु राम का प्रतिष्ठा जल्दी हो, राम मंदिर जल्दी बने, भगवान राम मंदिर विराजमान हो। 22 जनवरी से हमारा पूरा लक्ष्य पूरा हो गया है। अब कीर्तन अखंड चलती ही रहेगी भगवान की कृपा से। जिस व्यक्ति को कीर्तन में जोड़ना हो, अयोध्या चित्रकूट बांदा जहाँ आना चाहे आइए, भगवान की कृपा से सीताराम नाम कीर्तन का सहयोग करें। ये अखंड कीर्तन की जो आपने शुरुआत की है, आपके मन में कैसे आई है, आपने कहाँ से प्रेरणा ली? नहीं करी करम न भगति विवेको राम नाम उल्लंबन एको। कलयुग में कोई आधार नहीं है, ना कोई किसी का है, क्यों नाम है। अगर जो व्यक्ति नाम का सहारा लेगा इस भवसागर से वही पार। बस देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं? इसे हर व्यक्ति जानता है कि इस समय सगले आतंक फैला है, कोई पुत्र से है, कोई पिता से है, कोई माँ से है, कोई स्त्री से है, कोई पड़ोसी से है। इस समय कलयुग का प्रवेश आ चुका है। कलयुग के प्रवेश के रूप में राम नाम केवल फिल्टर है। जो कोई राम नाम का सहयोग करेगा वही भवसागर से पार होगा। राम नाम का केवल यही एक आधार है। इस तरीके से हमने भोले बाबा जी से बात की, वो अखंड कीर्तन के माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज फैला रहे हैं, सभी को राम नाम जपना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ताकि देश में सभी के मन में शांति बनी रहे, सब सुख शांति रहे। और आप राम का नाम जितना जब करेंगे उतने आपके दुख दूर होंगे। तो अभी हमने भोले बाबा जी से बात की, फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखना भूलें फेस टू फेस मीडिया नेक्स्ट पर उत्तर प्रदेश अयोध्या। Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram.